أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك قال الله تعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق رسوله معزز برادران طریقت جو خیرت پاک ابھی آپ نے سماعت فرمائی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ سلسلہ آیات میں آگے ہیں الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت کوئی آفت آ پڑی تو یہ کہہ اٹھے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم اسی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں سورہ تکویر میں ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو اصل قصہ یہ ہے کہ ہم نہیں تھے عدم سے وجود میں لائے گئے اس وجود کے لیے ہم نے نہ کوئی دعا کی نہ درخواست کی یہ اللہ نے اپنی مرضی اور اپنے منشا سے اور اپنی مہربانی سے ہم کو عطا فرما دیا پھر وجود یعنی جسم جمادات کو بھی ملا نباتات کو بھی ملا حیوانات کو بھی ملا انسان کا اختصاص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی صفات سے متصف فرمایا کلیم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ وہ بولتا ہے بندہ بھی بولتا ہے سمیعن وہ سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے بصیرن وہ دیکھنے والا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے یہ سبع صفات جو امہات الصفات کہلاتی ہیں یہ ایسی صفات ہیں کہ جو حق نے اپنی طرف سے اپنی صفات کا ایک حصہ جان کر یہ بندے کو ودیعت فرمائی سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس وجود کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھتا ہے میں ہوں حالانکہ نہ بولنا اس کا نہ سننا اس کا نہ دیکھنا اس کا علیم اللہ کی صفت ہے اس کے پاس جو علم ہے اللہ کی اسی علیم صفت کا پڑھتا ہو ثابت یہ ہوا کہ نہ صرف یہ وجود بلکہ یہ صفات
जो उसके अंदर मौजूद हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता की हुई है। आदमी लेकिन इकरार तो करता है कि ये सब अल्लाह तबारक व ताला की सिफात हैं, ये वजूद अल्लाह तबारक व ताला का दिया हुआ है। उसके बावजूद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जिंदगी से उसका जो रवैया है वो कुछ इस किस्म का है कि मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, मेरा माल, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना। सूरह अहज़ाब की आखिरी आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अंदाज में इरशाद फरमाया, इन्ना रद्दनल अमानत अला समावाती वल अर्दी वल जिबाल, हमने अपना ये बारे अमानत आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया, फअबैना अन यहमिलनहा, वो डर गए, उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया, वह अशफकना मिनहा, फट गए, पहाड़ फट गए ये सुनकर कि ये बारे अमानत तुझे उठाना, वह हमला हल इंसान, और इंसान ने उठा लिया। ख्वाजा हाफिज शिराजी ने इस वाकये को अपने फारसी शेर में बड़ी खूबसूरती से पेश फरमाया है, आसमा बारे अमानत न तवानस्त कशूर, आसमान बारे अमानत उठा नहीं सका, पीछे हट गया, खुर्राए फाल बना में मने दीवाना जदन, उसके बाद खुर्राए फाल मुझ जैसे दीवाने के हिस्से में आया कि चलो आगे बढ़ो और ये बारे अमानत उठा लो। ये वजूद की रंगारंगी, ये अल्लाह तबारक व ताला की सिफात का परतव, ये मेरा देखतापन, बोलतापन, सुनतापन, समझतापन, मेरी जिंदगी, कुदरत, इरादा, ये सब अल्लाह तबारक व ताला का इनायत किया हुआ है। अब जो मेरे पास है और मेरे इस्तेमाल में है तो इसकी हैसियत अमानत की। हुजूर पीर मुर्शिद क़िबला ने इसकी मिसाल इस तरह तालीम फरमाई कि किसी ने मुझे घड़ी दी, बड़ी खूबसूरत घड़ी, और कहा कि ये रहने दो आपके पास और आप इस्तेमाल भी करते रहो इसको, लेकिन ज़रा इस पर छर्रे वगैरह ना पड़ने पाएँ, स्क्रैचेस ना पड़ने पाएँ और ये ख़राब ना होने पाए, वैसे आप अपने इस्तेमाल में रखो, मैं जब तलब करूँगा ये मुझे वापस कर देगी। अब घड़ी अगरचे कि मेरे हाथ पर बंधी हुई है, मेरे इस्तेमाल में है, लेकिन ज़ाहिर है वो मेरी नहीं है, और वक्त आने पर मुझे इस घड़ी को इसके मालिक के पास लौटाना है। मर होता ये नहीं, उस घड़ी को हम अपना समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अपनी मिल्क समझना शुरू कर देते हैं। तसव्वुफ़ की इस्तेलाह में इस तर्ज़ अमल को खियानत से ताबीर किया गया है। आप उस अमानत रखने में खायन हो गए, उस अमानत की अमानतदारी आपने महफूज नहीं रखी, उस अमानत को आपने अमानत नहीं समझा, अपनी मिल्क समझा, वापस तो करना है। आयत करीमा जो पढ़ा मैंने, सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत, इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे कि यह इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, और मुफस्सिरीन कराम ने और इस्लामियात के माहिरीन ने इस पर काफ़ी गौर व खोज किया कि इंसान को ज़ुलूमन जहूला किस तरह कहा गया, हालांकि इसी की शान में सूरह अहज़ाब की ये आयतें 22वें पारे में, जबकि पहले पारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा,
मैं जमीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ। आदम को वो रुतबा अता फरमाया अल्लाह ने कि ये जमीन पे मेरा खलीफा होगा, और उसी आदम के बारे में फिर ये अल्फाज हैं कि इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला। हम यहाँ आज की नशिस्त में ये समझेंगे कि ये जुल्म क्या है और ये जहल क्या है। बहुत सादा और आसान बात है, कोई दकीक बात नहीं है। अमानत को अपनी मिल्क समझना ये सबसे बड़ी जहालत है, और इस अमानत में खियानत के मुर्तकिब होने के बाद जाहिर सजा तो मिलनी है। वो सजा हमने अपने हाथ से अपने ऊपर ओढ़ ली, ये गोया हमने खुद अपने हाथों अपने ऊपर जुल्म किया। सिलसिले आलिया की तालीमात जितनी भी हैं, और बड़ी आसान और सादा अल्फाज में पेश की गई तालीमात हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम बार बार ये तालीमात का अदा करें, सुनते रहें, सुनाते रहें। हर सुबह का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और मुताला हदीस और उसके बाद फहम अमल से करें। मन अमिल सालिहन फली नफसी वमन असा फालैहा वमा रब्बुका बिज़ज़्ज़ालिमिन लिल्आबीद। एक दूसरी जगह दूसरे सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने नेक अमल किया अपनी ज़ात के वास्ते किया, और जिसने नेक अमल नहीं किया वो भी अपनी ज़ात के वास्ते किया, और अल्लाह अपने बंदों के हक में ज़ालिम नहीं है। हक की मिल्कियत को हल्क अपनी मिल्कियत समझना, अमानत ना समझना, ये इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी खोट है। और लुत्फ ये है कि अक्सर हमें इस तब्दीली का एहसास भी नहीं हो पाता। खानखा की तालीमात क्यों ज़रूरी हैं, क्यों हर शब दोशंबा की मजलिस में मरकज़ में तालीमात सुनने और सुनाने का बिल इल्तिज़ाम अमल जारी व सारी है, क्यों यादव नगर में कभी और कभी इसी बबूलबन की खानखा में हज़रत एजाज अली शाह साहब और शाह मोइन की सरगर्मियों से नौजवान जमा होते हैं और फहम अमल के मतन पर फहम अमल की इबारत पर गौर व खौस करते हैं। ये इतने सादा और आसान अंदाज में ये बारीक नुक्ते फहम अमल में बयान किए गए हैं कि अगर इनसे हमारे जहन रंगीन हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी की धारा बदल जाए। ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि मौत के मकसद के बारे में भी निशानदेही फरमा दी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी और मौत हमने इसलिए तख्लीक की कि हम देखें कौन अच्छे अमल करता है। इंसान का खलीफा बनाया जाना, इंसान का अपनी सिफात से मुत्तसिफ करके वजूद अता किया जाना, जाहिर है ये बगैर आजमाइश के नहीं है। इस आजमाइश से हमको गुजरना है, और कभी हम इसमें नाकाम रहे तो गया हम ही ने अपने आप पर जुल्म किया, और इल्म रखते हुए भी हम जाहिल के जाहिल रहे, इतनी सी बात नहीं समझ सके कि ये जिसका घर है उसी वो घर वाला घर घर वाले ही कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको अपना मकान बना लिया, अपना मकान समझ। हर शख्स का मेरी कार, मेरा खेत, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, ये सब अमानतें हैं। ये कब तक है? जब तक आपकी सांस जारी है। आज तक कोई अपने साथ कोई चीज़ लेकर नहीं गया। सिकंदर रूमी के बारे में आता है कि जब उस जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी और 33 साल की उम्र में जो इंतकाल कर गए, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं पाई, जब इंतकाल का वक्त आया बुखार में मुब्तला था, उसने कहा कि मेरा जनाजा जब निकले तो मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर खाली रखना। लोग नहीं समझ सके कि इसमें क्या राज है। राज ये था कि सिकंदर जिसने इतनी कम उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली, आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा। लोगों को यह बतलाना मकसूद। तो ज़िंदगी और मौत की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाई
कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन अच्छे अमल करता है। अच्छे अमल की बुनियाद दुनियावी जिंदगी से मरबूत है, वरना फाइना तज़हबून, तुम किधर भटके जा रहे हो। अल्लाह की मशीयत के तकाजे और हैं, इंसान की तखलीक के तकाजे और हैं, इंसान को वदियत की गई सबा सिफात के तकाजे और हैं, और इंसान बेफिक्री से सबसे आंखें बांध करके अपने जिंदगी के शबो रोज गुजारने में मसरूफ है। शबो रोज तो गुजर जाएंगे, ये जिंदगी बहरहाल एक दिन अपने अख्तिताम को पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। इसकी तस्वीर कशी हजरत क़िबला वतन साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक नसरी तसनीफ सफर दर वतन में फरमाई। आप फरमाते हैं, किसी को खबर नहीं किधर से आए थे किधर चले, किसी को खबर नहीं किस लिए आए थे क्या कर चले। उम्र तमाम हुई नाकाम हुई, ना हक दो दिन में बदनाम हुए, ये ना जाना जान से गुजर कर जाने जा हो जाना क्या है। जाहिर में मशीखत माप सदरु सुदूर रहे, बातिन में मतलब से कोसों दूर रहे। ये इक्तबास है सफर दर वतन का। फहमो अमल में दो जगह ये इबारत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई। ये एक एक जुमला क्या है, एक समंदर है। तहनशी हो दूरे नायाब निकाले कोई, कतरा कहता है कि दरिया को खंगाले कोई। आप इस इबारत को बार बार पढ़ें, मानी के समंदर लहरें मारते हुए नजर आए। किसी को खबर नहीं किस लिए आए थे क्या कर चले, सब अनजान बने हुए। सुम्मुम बुकमुन उम्युम, ना देखते हैं ना सुनते हैं। इस कैफियत में जिंदगी गुजारने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि हक ताला की अता की हुई सिफात को हक ताला के कुर्ब के हुसूल में इस्तेमाल करने का नाम सही जिंदगी। ना हक दो दिन में नाकाम, दो दिन से मुराद एक दिन आने का एक दिन जाने का, और जिंदगी अय्याम के दरमियान फंसी हुई। जाहिर में मशीखत में आप सदर सदूर रहे, बड़े ओहदे रहे, बड़ा दबदबा रहा, बड़ी पुरवखार शख्सियत के मालिक रहे, बातिन में हकीकत से कोसों दूर रहे। मैं चाहे कुछ भी नजर आए, लेकिन अगर बातिन में मैं हकीकत से दूर हूँ तो मैं अपनी जिंदगी में नाकाम साबित हो रहा हूँ। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या सारे ही लोगों का यह आलम, कुछ तो अल्लाह वाले हैं। और यकीनन ये जो हम सूफिया इकराम की तारीख देखते हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हमारे सिलसिले तक और उससे भी पहले बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए, तो फिर ये इबारत कैसे समझें। असल में अरबी का एक मसला ये है कि कसरत को जिक्र करके खिल्लत को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे आज यहाँ प्रोग्राम हो, अब जो खाना पकाने वाले थे, शामियाना नस्ब करने वाले थे,
और दूसरे काम करने वाले थे। ज़ाहिर है मदमोइन की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उनसे भी कह दिया जाता है कि आइए आप भी खाना खा लीजिए। हालांकि वो खाना बनाते वक्त जहन में नहीं थे वो, तो मतलब जहाँ इतने सारे लोग खा चुके हैं आप भी खाना खा लीजिए, जहाँ कसरत आ चुकी है किल्लत उसके अंदर आ ही जाती है। तो लोग तो मौजूद रहे, नसीहत करने वाले भी, हिदायत की राह बताने वाले भी, वो रोशनी बांटते रहे, रोशनी लेने वाले रोशनी लेते रहे, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की गुजरी और आज भी जो इस तरफ से अपने कान अपनी आंखें बंद की हुई है। इसकी तशरीह खुलती है फहमो अमल के सातवें हिस्से से, जिसमें दादा पीर हजरत हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने सुना उसने ईमान लाया, जिसने ईमान लाया उसने समझा, जिसने समझा उसने देखा, और जिसने देखा वो हुआ। ये क्या अल्फाज है, क्या जुमले हैं, बार बार इनको पढ़ना है और इनसे अपनी हिदायत का रास्ता तलाश करना है। फहमो अमल की जितनी तालीमात हैं, अगर हम पीर के मुरीद होने के बावजूद अपने जहन को इन तालीमात से रंगीन नहीं कर सके, तो पीर के मुरीद रस्मन हुए हम, हमारा गौहर मकसूद हमसे कोसों दूर। हज़रत क़िबला का मंशा यही है। ये जो जलसों का इनेकाद है, हज़रत क़िबला गुज़िश्ता दिनों सख्त तलील थे, उससे पेशतर से भी ग़ालिबन डेढ़ दो साल से हज़रत क़िबला की सेहत साफ नहीं, उसके बावजूद हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाते रहे। हम बेचारों की रहनुमाई के लिए इन जलसों के इनेकाद का मकसद यही है कि पीर भाई एक दूसरे को तालीमात सुने और सुनाए। हर चीज़ के खुलने का एक वक्त होता है, बार बार की तकरार और बार बार पढ़ने से बहुत सारे ऐसे मकामात जो हमारी समझ से बालातर महसूस होते हैं वो भी हमारी फहम में आ जाते हैं। फहम अमल को मजबूती से थामना है, रोज़ उसका पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लेना है। एक सफ़ा दो सफ़े पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कम वक्त में हो जाता है। जिंदगी और मौत की तख्लीक इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि देखें कौन अच्छे अमल करता है। अब जिसने अच्छे अमल किए उसके लिए जन्नत है, और जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी उसके लिए दोज़ख़ ठिकाना रहेगा। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, जो कामयाब लोग हैं अबरार हैं वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो काफिर हैं जो गुनाहगार हैं उनका ठिकाना दोज़ख़ होगा। अब जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए सिर्फ जन्नत में दाखिल किए जाएंगे कहकर सिलसिला कलाम ख़त्म कर दिया गया, दोज़ख़ में जाने वालों के लिए भी वो दोज़ख़ में जाएंगे बोलकर बात ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन बात आगे और चलती है और यूँ चलती है। यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, ये दो आयतों का इजाफा है कि आखिरत में उनका ठिकाना दोज़ख़ होगा और वो इसमें से फिर कभी निकल नहीं सकेंगे। ये ताकीद, ये इंतबाह, ये तंबीह इसलिए है कि हम हक की अमानत को हक की अमानत समझें, जहन से ये बात बिल्कुल तौर पर निकाल दें कि हमारा हम में कुछ है, जो कुछ है अल्लाह तबारक व तआला का बख्शा हुआ है, लेकिन शैतान जो हमारी ताक में है वो हमको सही रास्ते पर आने नहीं देता। हज़रत क़िबला ने एक मौके पर तालीम इरशाद फरमाई थी कि तुम दाखिल सिलसिला हुए, तुम्हारा एक हाथ पीर के हाथ में था
दूसरा हाथ तो आजाद था। सब दाखिला सिलसिला है यहाँ, सब जानते हैं। अब वो जो हाथ आजाद था वो शैतान ने पकड़ लिया। अब तुम्हारा एक हाथ पीर के हाथ में और एक हाथ शैतान के हाथ में चला गया। शैतान अपना पूरा जोर पूरी खुबत लगा था कि आपको सही रास्ते से भटका दे। जितना पीर से करीब होंगे उतना मजबूती से पीर से जुड़ना नसीब होगा, उतना हम हक के करीब रहेंगे। और अगर ये हाथ को हमने ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ने का मतलब क्या है? तालीमात से बेएतनाई, मजालिस में शिरकत से गैर हाजिरी, हजरत क़िबला के इरशादात सुनना, अकीदत से सर हिला देना और उसके बाद वही करना जो अपने नफ्स का तकाज़ा है, ये चीज़ें रास्ते पर ले जाने वाली नहीं हैं। ये तालीम इतनी उम्दा तालीम है कि ये बड़ी बड़ी ज़खीम किताबें पढ़ने के बाद भी इतनी तशफ़ी से, इतने सैर हासिल तरीक़े से, इतनी उम्दगी से हमारे जहन में नहीं उतरती। हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फहमो अमल तरतीब देकर आपको तसव्वुफ़ की बड़ी बड़ी ज़खीम किताबों से बड़ी हद तक बेनियाज फरमा दिया। अपना मोटी मोटी किताबें खोलने की ज़रूरत है, जिसको ज़ौक़ है, जिसको मुतालिया का ज़ौक़ है, वो अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए अपने मुतालिया के सिलसिला आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जहाँ तक अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी, रब जो ज़िंदगी हमारी चाहता है, वो ज़िंदगी गुजारने का सवाल है, उस ज़िंदगी के गुजारने के लिए फहमो अमल की तालीमात हमारे लिए बहुत काफ़ी हैं। अगर हम इसकी कद्र नहीं करेंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान हमारा अपना होगा। सबसे बड़ी दौलत कुरान मजीद एक हीडिंग है गालिबन हिस्से अव्वल में, उसमें कलाम मजीद की तफसील दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने पेश फरमाई और उसके बाद फरमाया कि ये जो फसादात होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों से कहते हैं कि मारो इन मुसलमानों को, ये कैसे बेहिस हैं कि इतनी उम्दा किताब इनके दरमियान मौजूद है फिर भी ये उससे कोई सबक हासिल नहीं करते, ना उसको पढ़ना चाहते हैं, ना उसका मतलब समझना चाहते हैं, ना उसके अहकाम पर अमल करना चाहते हैं। कलाम मजीद की तिलावत और कलाम मजीद और फहमो अमल का बड़ा करीबी ताल्लुक है। फहमो अमल के सफ़ात में शायद ही एक कोई सफ़ा ऐसा कई सफ़ात के बाद आएगा जिस पर किसी आयत या हदीस का हवाला ना हो। पूरे कुरान का जो अत्र हो सकता है वो फहमो अमल में पेश कर दिया गया। अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है, ये दुनिया अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं है, ये दुनिया अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए नहीं है, बल्कि हक की मर्ज़ी अख्तियार करने के लिए। बेशक दुनिया में रहना है तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन अगर इसी में हम फंस कर रह गए तो गया हमने अपने मकसद को खो दिया। हम को दुनिया इसलिए दी गई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला का क्या मतलब है कि दुनिया आखिरत की खेती है। गंदुम अज गंदुम बरोयत जौ जौ अज मुकाफात अमल गाफिल मशो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई गेहूँ पेरेंगे तो गेहूँ ही आने वाले हैं, जौ पेरेंगे तो जौ आने वाली है। जैसा अमल करेंगे इस दुनिया में, आने वाली ज़िंदगी में वैसी ही उसकी जजा मिलने वाली है। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमको हुजूर पीर मुर्शिद क़िबला मुतज़ल्लहुल आली का दामन मिला। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुरीद करके भेज दिया गया कि जाओ तुम मुरीद हो गए, हो गया काम ख़त्म, बल्कि उसके साथ तालीमात। ये तालीमात अगर नहीं होती
तो हमारे लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता। उसके बावजूद अगर इतनी अच्छी तालीमात रखते हुए, इतनी अच्छी बातें रखते हुए हम अमल से गुरेजा रहेंगे तो इन्नहु काना जलूमन जहूला की तारीफ में आएंगे, उसी ग्रोह में आएंगे जो न सिर्फ ये कि जाहिल है बल्कि जो जालिम भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर पीर मुर्शिद क़िबला को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, आपके हाल व ख़ाल में तरक्की अता फरमा, आपकी तमाम बीमारियों को दूर फरमा, सेहत कामिला अता फरमा। हज़रत रज़ा अली शाह साहब को और हज़रत अदनान अली शाह साहब के उम्र व इकबाल में अल्लाह इजाफ़ा फरमा। आमीन बिजाह सैयदिल मुरसलीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।